मेरे खेत में कुछ दिनों से वो फसल की उपज और बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो मैं कृषि विभाग के एक ट्रेनिंग में गया, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप खेत की वो मिट्टी की जांच करो। तो मैंने मिट्टी की जांच करी, तो उन्होंने रिपोर्ट में आया कि एक बीघा के एक प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से इसको डालना है, और मैं इसको डालने जा रहा हूँ और इसके बाद में इसकी जुताई कर दूँगा, बाद में क्यारियाँ बना दूँगा, क्यारियाँ बनाने के बाद में ये पानी से भर जाएगी तब इसमें डेंचा उगाएंगे, और बाद में 6-7 फीट का या इसके फूल आने के बाद में इसकी फिर जुताई कर दूंगी, इससे जमीन की उपजाऊ हो जाएगी, उसके बाद में फसल ठीक होने लगेगी। ऐसी मिट्टी में जिप्सम मिलाने से उसकी भौतिक दशा सुधारी जा सकती है, इससे खेत के रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार आता है और भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी में घुलनशील कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। यह कैल्शियम क्षारीय गुणों के लिए जिम्मेदार अधिशोषित सोडियम को घोलकर अपना स्थान बना लेती है, जिससे मृदा का पीएच मान कम हो जाता है और भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। भूमि सुधार के लिए अपने खेत की मृदा का परीक्षण कराकर सिफारिश अनुसार जिप्सम डालना चाहिए। साधारणतया भूमि सुधार हेतु जिप्सम की 3 से 5 मेट्रिक टन मात्रा प्रति हेक्टेयर काम मिली जाती है। जिप्सम की निर्धारित मात्रा को मानसून की वर्षा से पहले खेत में बिखेर कर जुताई कर अच्छी तरह 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी परत में मिला देना चाहिए और खेत में क्यारियां बना देनी चाहिए, ताकि वर्षा का पानी बहकर खेत से बाहर ना जा सके। खेत में जिप्सम मिलाने के बाद 1 या 2 अच्छी वर्षा होने के बाद ढेंचा फसल की बुवाई कर देनी चाहिए। ढेंचा की बुवाई के लिए 60 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। ढेंचा की फसल 40 से 45 दिन की हो जाए या फूल आने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल या हैरो चलाकर मिट्टी में 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में मिला देना चाहिए। इससे मृदा का पीएच मान कम होगा और क्षारीयता की समस्या हमारी भूमि से समाप्त हो जाएगी। खेत की जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, जिससे फसलों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आगे आने वाले समय में हमारे खेतों में फसलें न सिर्फ लहलहाएंगी बल्कि उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी। इससे हमारे किसानों के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।